नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज अपन बनाना देखेंगे। बिना बेसन को सीके हुए भी आप घर पे लड्डू या मोदक की रेसिपी बना सकते हैं। बिल्कुल बाजार की तरह है, उसका टेस्ट भी बिल्कुल सौंधा सौंधा सा आता है। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप से फेसबुक से ज़रूर शेयर कर देना। कुछ इस प्रकार की रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको बेसन लेना होगा। जिस भी कटोरी से नाप रहे हो ना, उसी से आपको आगे की चीज़ें भी नापना है। सिर्फ शक्कर ही लगेगी, ज़्यादा कोई नहीं, बस तरीका अलग है बनाने का। इसमें एक कप बेसन लिया है, यानी कि एक कटोरी बेसन। और एक बात और बता दूँ, ये कच्चा बेसन है, यानी कि हमने इसको कोई सेका वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। ये बहुत पुराना तरीका है, अभी आपको यूट्यूब पर देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। और इसमें लिया है मैंने घी 4 टेबल स्पून। ये तुरंत ताज़ा बना हुआ घी है, इस वजह से इसका कलर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, नहीं तो बिल्कुल वाइट होता है। और ये आप विधि देख लो, नहीं तो फिर बाद में आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स बताएंगे, फिर वो आपको तोड़ मड़ोड़ करके बताएंगे, तो शायद आपसे इतना परफेक्ट रेसिपी नहीं बन पाएगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये रेसिपी यूट्यूब पर किसी के पास नहीं है, मैंने पूरे सभी की चैनल में जाके देखी है। और आपको ये रेसिपी इसके बाद आपको अब हर एक वीडियो यूट्यूबर बड़े से बड़े जिनके लाखों के सब्सक्राइबर है, वो सब आपको बताने लग जाएंगे इस तरीके की लड्डू की या मोदक की रेसिपी, क्योंकि इसका तरीका बहुत अलग है। सब लोग आपको सेक के बताते हैं, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा बेसन बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और इसमें लम्स तो नहीं बने, इसमें अच्छे से क्रम्बल टेक्स्चर आ चुका है। अब आपको इसमें लेना होगा पानी, थोड़ा सा पानी लेना है, बिल्कुल 1-2 चम्मच। मैंने तो ये आपको यहाँ कप भर के बताया है, पर ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको 2 चम्मच पानी लगेगा। यानी कि इसका आपको आटा नहीं गूंथना है, सिर्फ ऐसा बनाना है कि आप इसकी इसके आप बिस्किट बना सकते हो। जैसे आप घर पे बिस्किट नहीं बनाते हो, तो उस तरीके का आपको आटा रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 2 चम्मच पानी लिया है और ये जो बेसन है बहुत अच्छी तरीके से नम हो चुका है, मॉइस्ट हो चुका है। अब आप इसके आराम से बिस्किट बना सकते हैं। ये देख सकते हैं, आपको इस तरीके से आपको दबाते हुए इसके बिस्किट बनाना है। और कुछ रेसिपी ऐसी होती है, आप देखते होंगे कि बड़े से बड़े यूट्यूबर आपको नहीं बताते हैं, पर जिनके कम सब्सक्राइबर है वो आपको बताते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पुरानी पुरानी रेसिपी रखी रहती है। और फिर उन यूट्यूबर्स के पास पहुँच जाते हैं जिनके पास लाखों के सब्सक्राइबर हैं, फिर वो अपने हाईटेक कैमरे से बताते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, फिर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है बनाते समय। तो इससे बेहतर ये है कि जिनके ये देख सकते हैं, हमने बिस्किट बना लिए हैं, लगभग 4 बिस्किट बन जाएंगे 1 कप बेसन में। और इसमें आप 15 से 20 मोदक बना सकते हैं। अगर आप लड्डू का शेप देना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो ये हमारे 4 बिस्किट रेडी हो चुके हैं। अब आपको इसमें थोड़ा सा घी लेना है, यानी कि 7-8 टेबल स्पून लेना है आपको घी। और ये घी में फ्राई करना है आपको सभी बिस्किट। चाहो तो आप इसको सेक भी सकते हो, पर जो आप घी में शैलो फ्राई करोगे ना, तो उसका स्वाद काफ़ी अच्छा आएगा मोदक में, एकदम सौंधा सा उसका स्वाद आता है। तो इसलिए मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ, और ट्रेडिशनली भी ऐसा ही बनाते हैं। और यही लड्डू मोदक गणेश भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आप वो सेक के बनाते हैं ना, तो उसमें समय भी लगता है और वो बहुत ज़्यादा मेहनती रेसिपी, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रेसिपीज़ है। तो ये देख सकते हैं, दोनों जो सीख चुके हैं 90%। अब जो बाकी के जो 2 बचे बिस्किट वो भी हम इसमें डाल देंगे और इनको दोनों साइड से उलट पुलट करके सेकना है। जैसे इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर आपको समझ लेना है कि ये बिस्किट अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अंदर तक अच्छे से इनका कच्चापन निकल चुका है। तो वो 2 तो मैंने निकाल के रख दी हैं। अब जो आखिरी के जो 2 हमने बाद में डाले थे, ये देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। ये थोड़े बहुत फूल भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, और कलर भी बहुत अच्छा सा सुनहरा आ चुका है। तो इट मीन्स ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं, यानी कि फ्राई हो गए। और आप देख सकते हैं कि घी वैसा का वैसा ही रहा है, मतलब ज़्यादा इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया है। और इसमें ख़ास बात ये है कि बहुत कम घी में भी ये मोदक बना सकते हो आप, मतलब जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, जो घी नहीं खाना पसंद करते हैं तेल की, तो उनके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। अब आपको इनको तोड़ लेना है और हम इसको एक मिक्सर जार में
सभी को पीसना होगा आपको। तो पहले हम दो बैच में पीसेंगे अलग अलग, क्योंकि खट्टे हाँ अगर पीसने जाओगे ना तो अच्छे से बारीक नहीं होंगे। तो ये एक बैच रेडी हो चुका है, हमने इसको भर लिया है आधा, और ठंडा होने के बाद ही पीसना, नहीं तो आपका मिक्सर जार ख़राब हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, एकदम महीन भी मत बना लेना, हल्का दरदरा रहना ज़रूरी है, तभी तो अच्छा लगेगा मोदक। ये दूसरा बीज भी मैंने पीस लिया है, अब आपको मैं इसको नज़दीक से बताऊंगी कि इसका जो दरदरापन है वो कितना होना चाहिए। आपने देख लिया होगा, अब मैंने यहाँ पे इलायची को कूट लिया है खलबत्ते में, और इसको मिला देंगे। अगर आप कोई सा और सा स्वाद पसंद करना चाहते हैं, चॉकलेट वगैरह, तो वो भी मिला सकते हैं। और ये पिस्ता लिए हैं, इनकी चिप्स बना लेंगे, जैसा भी आपके पास चिप्स बनाने का हो, बारीक बारीक इसकी कतरन बना लेना है। आप और भी कोई से सूखे मेवे मिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम काजू वगैरह। और ये देखिए इसकी चिप्स बहुत बढ़िया तरीके से बन चुकी है, ये पिस्ता की चिप्स रेडी हो चुकी है, और इसको भी इसमें मिला देंगे। देखो मैंने आपको जैसा कि बताया था दो इंग्रेडिएंट्स, तो ये आपका दूसरा इंग्रेडिएंट्स होता है चीनी, यानी कि पीसी हुई शक्कर, इसको भी मिला देंगे आधा कप। ये आपके स्वाद पर निर्भर करता है कि आप कितना मीठा मोदक खाना पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आधा कप बता रही हूँ, यानी कि आधी कटोरी, जैसे एक कप बेसन में आधी कटोरी शक्कर लेना है पीसी हुई, और इसको अच्छे से मिला लेना है दोनों को। सिर्फ दो ही चीज़ें मैंने आपको बताई है, और उससे आपके मोदक बन चुके हैं, और लगभग आपको ये चीज़ ये मोदक बनाने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, और उसके पहले आपके मोदक रेडी हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आ रहा है ये, तो आपको क्या करना होगा, इसमें 2-3 चम्मच घी डाल देना है। ये भी घर का बना हुआ लिया है, बिल्कुल एकदम फ्रेश बना हुआ है तुरंत, इसलिए इसका कलर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये सफ़ेद ही दिखाई देता अगर आप बाज़ार का घी इस्तेमाल करते हैं। और आप देखोगे कि घी डालने के बाद कितना मॉइस्ट हो चुका है ये, और आपको इसके लड्डू बना लेना है, लड्डू भी बना सकते हैं। और आप जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, तो हम इसको मोदक के शेप देंगे, तो ये मेरे पास मोदक बनाने का मोल्ड है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का है मेरे पास, अगर आपके पास प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक से बना लेना। प्लास्टिक में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसमें शेप अच्छे से उभर के नहीं आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का लिया है, वैसे प्लास्टिक का भी है मेरे पास, उससे अच्छा शेप आता नहीं है। आपको ये आराम से मिल जाएगा किसी भी बर्तन शॉप पे, अगर आप जाते हैं ना तो आपको ये एल्यूमिनियम का बहुत ईजिली मिल जाएगा, और 50-60 रुपये में आराम से आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको मोल्ड में भर दिया है, और ये देखिए कितना बढ़िया इसका शेप आया है। इसमें आपको एक टिप्स बताना चाहूँगी कि जैसे कभी आपसे मोदक टूट रहा है बार बार, तो आपको क्या करना होगा, सारे मोदक बना लेना है, फिर इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, तो एकदम हार्ड हो जाएंगे ये, तो फिर आप इनको कैसे भी पकड़ सकते हैं तो वो टूटेंगे नहीं, मतलब जैसा उनका शेप है ना वैसा का वैसा ही रहेगा जब तक आप मुँह में नहीं डालोगे। तो ये आपके मोदक बन चुके हैं। तो ये रही मोदक की रेसिपी, दो ही चीज़ों से बनाना बताई मैंने आपको, बिना सेके हुए बताई। और आपको ये अगर रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से इसको शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप या फेसबुक से, और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाना, इससे आपको सबसे पहले रेसिपी देखने के लिए मिल पाएगी। तो अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार की रेसिपी के साथ ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। शक्कर पारे तो हम हमेशा बनाते हैं, पर फिर इस रेसिपी में क्या नया है, तो देखो इसमें क्या नया है, हमेशा हर बार शक्कर पारे सभी लोग बनाते हैं, पर उसमें कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक आती है जिसके कारण उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। जैसे कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है कि शक्कर पारे फूलते नहीं हैं, खस्ता नहीं बनते हैं, या फिर उनमें गोल्डन ब्राउन कलर आता नहीं है, या फिर आप जो होटल या ढाबे में देखते हो उनके शक्कर पारे बिल्कुल लेयर बनी रहती है, उनके सारे जो परतें रहती है वो सारी खुल जाती है शक्कर पारे में, वो हम जो घर पे बनाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। तो वो हम क्या ऐसी मिस्टेक कर बैठते हैं कि जिससे हमारे शक्कर पारे बिल्कुल ढाबे के जैसे नहीं बनते हैं, तो ये सारी बातें आप इस वीडियो में, इस शक्कर पारे की रेसिपी में आप जानेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बिल्कुल ध्यान से देखिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को नीचे कमेंट्स पर जाकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक बटन दबा के जरूर इसे अप्रिशिएट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। किसी प्रकार की और पुरानी रेसिपीज को आप नए तरीके से देख पाएंगे और उसकी मिस्टेक सुलझा पाएंगे। तो आइए शक्करपारे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना है शक्कर 1 कप, आप किसी भी कप या कटोरी से नाप सकते हैं, कोई
आपको इस मेजरिंग कप की ज़रूरत नहीं है और आप हम इसे किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे जिसे हमें इसमें शक्कर की चाशनी बनाना होगा और जितनी शक्कर लेना है आपको उतना ही आपको पानी लेना है। और इसे मैं पीतल की बर्तन में बना रही हूँ ताकि इससे अच्छा स्वाद आता है, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर हम देखा जाए तो पहले के समय में पीतल या तांबे के बर्तन यूज़ करते थे, तो क्यों ना आज भी हम इसमें कुछ नए रेसिपीज़ बनाएं। तो इसलिए यहाँ पे पीतल की बर्तन लिया है और इसे हम लो टेम्परेचर पे हिलाते हुए चाशनी बनाएंगे। इसमें आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि शक्कर जब तक घुलती नहीं है जब तक आपको इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है। अगर आप इसे हिलाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, शक्कर घुल नहीं पाएगी और हो सकता है इसमें कुछ चाशनी आपसे कुछ ठीक से ना बने, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे चाशनी को बिल्कुल लगातार हिलाना है आपको कुछ इस प्रकार से। आप इसकी जगह कोई और सा बर्तन भी ले सकते हैं, पीतल का बर्तन अगर आपके पास नहीं है तो आप एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, वो तो हमेशा हर किसी के घर में आसानी से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप अगर इसे नॉनस्टिक पे बनाएंगे तो एक प्रॉब्लम ये हो जाती है नॉनस्टिक में कि आप बना तो लेते हैं नॉनस्टिक में पर उसकी पॉलिश निकलती रहती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल नुकसानदायक होता है नॉनस्टिक का बर्तन यूज़ करना। कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप रेगुलरली आप उस बर्तन में कुछ रेसिपीज़ बनाते हैं तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो इसलिए आप कभी कभार नॉनस्टिक का यूज़ कर सकते हैं पर आप अधिकतर हमेशा एल्यूमिनियम, तांबा या पीतल का बर्तन यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें शक्कर अच्छे से घुल गई है और चाशनी लगभग तैयार हो गई। इसमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि आपको कोई तार की चाशनी नहीं बनाना है, सिंपल शक्कर घुल जाना है इतना बनाना है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, घी मिलाना है। आप बटर भी ले सकते हैं या फिर घर का बना हुआ घी भी ले सकते हैं। ये कितना लेना है, जितना पानी इसमें आपको आधा कप लेना है, आधा कटोरी घी लेना है, जैसे हमने पानी को मेजर किया था एक कप, उसी का आधा आपको लेना है घी लेना है। यहाँ पे आप इसकी जगह सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं, उसका भी अच्छा स्वाद आएगा। पर आप देखा जाए तो घर का बना हुआ घी लेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा शक्करपारे में। और इसे मिला लेंगे और थोड़ा सा उबालने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आता है इसे आप लगातार हिलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी इसका बर्तन में लगने का चांस रहे ही नहीं। और इसे हम लगातार हिलाते रहेंगे। इसमें आपको कोई तार की चाशनी बनाना नहीं है, बिल्कुल सिंपल आपको शक्कर घोलना है और इसे उबाल लेना है। लगभग इसका टेक्सचर शहद के जैसा हो जाना चाहिए, आप इसे इस प्रकार से पहचान सकते हैं, शहद के जैसा दिखने लग जाना चाहिए चाशनी। इस प्रकार इसे हमें पकाना है। तो इसे मैंने लगभग 5 से 10 मिनट तक इसे पकाया है लो टू मीडियम टेम्परेचर पे, मध्यम आंच के लगभग इसे पकाना है। और हम इसे उस बर्तन में निकाल लेना है जिसमें हम आटा गूंथते हैं। जैसे भी आप जिस भी बर्तन में आप अगर आटा गूंथते हो उस बर्तन में आपको ये चाशनी को निकाल लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। इतना ठंडा करना है कि ताकि हम इसे हाथ से आसानी से छू सकते हैं। तो अब हमने इसे उस बर्तन में निकाल लिया है जिसमें हमें आटा गूंथना है। और ये इसमें निकालने से ये भी फ़ायदा होगा कि बहुत जल्दी से जल्दी ठंडी भी हो जाएगा ये चाशनी। और आपको इसमें आटा कितना लेना है, आप आटा भी ले सकते हैं या फिर मैदा भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा और इसमें आपको मैदा लेना है। अभी फ़िलहाल हम इसमें 3 कप के लगभग मैदा लेंगे। और फिर अगर ऐसा लगता है कि इसमें आटा अच्छे से गूंथा नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हम इसमें ज़रूरत के अनुसार और मिलाएंगे आटा या मैदा। यहाँ पे लगभग मेरे यहाँ 3 कप या 3 कटोरी के लगभग मैदा ले रही हूँ। एक काम और करना है आपको कि आपको एक साथ आटा नहीं मिलाना है, धीरे धीरे मिलाना है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसे निकाल नहीं पाएंगे और आटा सख्त हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे शुरुआत में 1 या 2 कप, ये देखिए 3 कप मिलाने के बाद ऐसा लग रहा है आटे को दे और आटे की ज़रूरत है, तो इसमें हम 1 कप और मिला लेंगे मैदा और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है आटा और अच्छे से गूंथ गया है और अब हम इसे ढक के रख देंगे ताकि ये आटा अच्छे से फूल जाए। और देखिए ये आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बार और चेक कर लेंगे। ये देखिए आटा बहुत ज़्यादा नरम लग रहा है, तो हमें लगता है इसमें आप एक छोटा चम्मच और आटा मिला लेना चाहिए ताकि ये आटा अच्छे से रेडी हो जाए। इसमें आधा चम्मच और मैदा मिला लिया है और इसे अब हाथों की मदद से गूंथ लेंगे ताकि अच्छे से गूंथा जाए, क्योंकि हाथ से जो गूंथते हैं उसका आटा बहुत अच्छा बनता है।
और इसका एक बड़ा साइज का पेड़ा ले लेंगे, बना लेंगे हाथों से। और आपको इसमें मोयन के लिए, हमेशा बेलने के लिए आपको आटा बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो आटे से अगर आप आटे की मदद से आप रोटी बेलेंगे ना तो फिर वो तेल में आटा आटा हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा तेल। तो इसमें आपको घी की मदद से इसकी एक चपाती बेल लेना है। और इसको इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है, जैसे कि आप रेगुलर पराठे बनाते हैं, साधारण पराठे। इस प्रकार से इसे घी की मदद से बेल लेना है। और फिर इसके बाद एक लेयर हमें इसे और बनाना होगा, ताकि शक्करपारे बनने के बाद इसमें 3-4 प्रकार की लेयर बन जाए। और इस प्रकार से हम और घी लगाते हुए इसका पूड बना लेंगे और इसे फिर से दोबारा बेल लेंगे, ताकि अच्छे से गोल रोटी बन जाए। और इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, नहीं तो शक्कर पारे नहीं बनते हुए बिल्कुल मठरी बन जाएगी या फिर खस्ता पारे बन जाएंगे। शक्कर पारे तो मोटे होते हैं, तो उसे आप ज़्यादा पतला बिल्कुल ना बेले रोटी को, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली शक्कर पारे बन जाएंगे, तो उसका स्वाद भी नहीं अच्छा आएगा। और ये बेलन आपको मिल जाती है मार्केट में, अगर आपको नहीं मिलती है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके भी खरीद सकते हैं, अगर आपको ये बेलन ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलती है तो। ये बहुत पुरानी बेलन है और आज के समय में आपको लकड़ी की शायद ही मिले, और हाँ ये आपको स्टील की मिल जाएगी, वो भी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए कितने जल्दी से एक जैसे शक्करपारे बन चुके हैं। अब हम इसे लो टू मीडियम टेम्परेचर में, जो गर्म किया हुआ घी है इसमें हम सभी शक्करपारे को फ्राई कर लेंगे। और इसमें डालने का तरीका कुछ इस प्रकार से, आप ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर आप धीरे धीरे एक एक करके भी डाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप उस प्रकार से शक्करपारे कढ़ाई में तलने के लिए डाल सकते हैं। इस मेथड से अगर आप करेंगे तो शायद जल्दी शक्करपारे कढ़ाई में चले जाते हैं और फ्राई होने लग जाते हैं। और इसे थोड़ा थोड़ा हिला देंगे ताकि सब शक्करपारे एक दूसरे से अलग हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा इनका कलर डार्क हो जाएगा। और ये देखिए लगभग लो टू मीडियम टेम्परेचर पे 5 मिनट तक इसे फ्राई किया है, तो ये कुछ इस प्रकार से फ्राई हो गए, उनका कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये बहुत अच्छे खस्ता बने हैं, उनकी सभी लेयर से निकल आई है। अगर आप इस तरह के से शक्करपारे बनाएंगे तो आपके शक्करपारे बिल्कुल होटल या ढाबे की तरह बनेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप के जरिए या फिर फेसबुक के जरिए भी कर सकते हैं, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, फिर जाके आपको बता रही हूँ, और ये बिल्कुल मार्केट के जैसी है जैसे आप हल्दीराम की लाते हैं। और रेसिपी का बनाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, आपको ज़रूर बनाना चाहिए। इसके लिए हमने लिया है 1 कप मूंगफली, इसे हम दूध और पानी के मिश्रण में इसे भिगोएंगे। दूध और पानी दोनों बराबर मात्रा में लेना है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी होना चाहिए दोनों की। और इसे लगभग 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, कवर करके रख देंगे और इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छे से मूँगफलियाँ इस मिश्रण में मिक्स हो जाए। 1 घंटे बाद देखेंगे आप कि मूंगफली कितनी फूल चुकी होगी। और हम इस दूध और पानी का जो मिक्सचर बनाया है, इसे हम चाय छलनी से या आपके पास जो भी हो आप वो छलनी का यूज करके इसे छान लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, आपको जरूर बनाना चाहिए, आप जरूर बना के देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया बनती है। ये देखिए मूंगफली कितनी अच्छे से फूल चुकी है। इस कारण से ये क्या होता है, इसमें हम मसाला जो मिलाएंगे वो मूंगफलियां अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। इसमें हम मिलाएंगे मसाला, इसमें लिया है हमने सबसे पहले बेसन 2 बड़े चम्मच, इसमें लेंगे हम चावल का आटा, ये भी लेंगे हम तकरीबन 2 बड़े चम्मच ले लेंगे। और इसमें दोनों प्रकार आटे मिलाना बिल्कुल जरूरी है, ये हमने ले लिया है। और दोनों आटे बिना रोस्ट किए हुए हैं और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, अगर लगेगा तो हम इसमें और आटा मिलाएंगे। इसमें हम मिलाएंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में सबसे पहले लेना है आपको कुछ काली मिर्ची और लौंग, इसे दरदरा पीस लेंगे और इसमें मिला देंगे। इसके बाद ली हमने 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। इसमें लेंगे हम धनिया पाउडर और इसमें मिलाएंगे हल्दी, ये हम कलर के लिए ले रहे हैं, इसका कलर बहुत अच्छा आता है मूंगफली में। और
अब हम इसमें लेंगे शुगर यानी कि पाउडर शुगर लेंगे, चीनी ले लेंगे, इसमें मिलाएंगे जीरा वन मसाला। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसमें मिलाएंगे नमक स्वाद के अनुसार, इसमें ले रहे हैं सिट्रिक एसिड यानी आमतौर पर इसे नींबू का सद भी कहा जाता है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और इसे हम इसे मिला लेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह आमचूर का पाउडर भी मिला सकते हैं और इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हम देखेंगे कि इसमें आटा कम लग रहा है तो हम इसमें और मिला लेंगे। मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच दोनों प्रकार के आटे मिला लिए हैं दोबारा और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कुछ पानी के छींटे देने के बाद इन्हें थोड़ी देर ऐसे रहने देंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए मूंगफली दाने में। ये देखिए कुछ पानी मिला हमने, पानी के छींटे देने के बाद ये कुछ इस तरीके का बैटर रेडी हो गया है, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा थिक, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला पेस्ट होना चाहिए, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और हम इसे हाई फ्लेम पे तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर इसे हम लो फ्लेम पे कर देंगे यानी कि मध्यम आंच पे कर देंगे और एक एक दाना तो सेपरेट से अलग अलग करके इसमें तेल में डालेंगे। इसे आप ध्यान से फ्राई करिए क्योंकि हम अगर ऊंचाई से डालेंगे तो हो सकता है इसके छींटे उड़ सकते हैं, आपको उसके छींटे चेहरे लग सकते हैं, तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू, तो बी केयरफुल जब भी आप फ्राई करें तो इसे थोड़ा अलग अलग करके और थोड़ा सा नज़दीक से इसे दाने को तेल में डालें ताकि छींटे बिल्कुल ना उड़े अपने आप पे, और इसे बिल्कुल धीरे धीरे करके दाने डालने की कोशिश करें। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से दाने डाल रहे हैं तेल में, और यानी कि आंच को बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे वीडियो में किस तरीके से मैं डाल रही हूँ दाने, इसी प्रकार से आप भी डालिए और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगती है, आप ज़रूर बना के देखिए। इसे हम अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे पहचानने का तरीका ये है कि अगर ये दाने अगर तैरने लग जाते हैं तेल में ऊपर आ जाता है तो इट मीन्स ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसे निकाल लेना चाहिए टिश्यू पेपर पे। इसे हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे, इसे मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर होने तक फ्राई करूँगी ताकि ये और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और देख पा रहे होंगे कि इसमें मसाला बिल्कुल भी नहीं अलग हुआ है दाने से, इसका कारण ये है क्योंकि हमने इसे दूध और पानी के मिश्रण में भिगो के रखा था। ये देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो गया, कितने अच्छे से मसाला कोट दिखाई दे रहा है हमें। इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे ताकि जितना भी इसमें एक्सेस ऑयल होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसमें मैं ले रही हूँ हरा धनिया, इसे आप बारीक काट लीजिए, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको अखा हरा धनिया दिखाई दे रहा है, पर आप इसे बारीक बारीक काट लीजिए। फिर इसे डीप फ्राई कर लेंगे हम ताकि ये भी क्रिस्पी हो जाए। ये थोड़ा धीरे से फ्राई कीजिए क्योंकि ये इसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है धनिया हरा धनिया में, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है जिसके कारण से हम इसे थोड़ा स्लो फ्राई करेंगे। ये देखिए क्रिस्पी हो गए हैं, अब हम इसे भी निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। इसके बाद इसमें मैंने ली है कुछ हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिलाएं अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं ऊपर से और मसाले मिलाने जा रही हूँ, इसमें मैंने ले रही हूँ नमक क्योंकि मुझे नमक कम लगा है मसाले में, तो इसलिए मैं और मिलाने जा रही हूँ नमक। इसमें थोड़ा सा नमक हम इसमें और मिला लेंगे और मैंने जो फ्राई करके रखी हरी मिर्ची वो भी मैं मिला रही हूँ। और इसमें जो मैंने हरा धनिया को जो फ्राई करा था वो मैं इसे हाथों से क्रश करके मिला देंगे। और आप चाहे तो इसके ऊपर से और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, चाहे तो जीरा वन मसाला भी मिला सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इस रेसिपी को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट्स में प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द किचन क्रिएटर यूट्यूब चैनल में, और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चटपटी सी रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है चीजलिंग। आपने शायद नहीं देखी है यूट्यूब में, तो उसको बनाने के लिए आपको लेना होगा यहाँ पे मैदा। अब आपको उसकी जानना होगी मेजर क्वांटिटी कितनी होना चाहिए। सपोज आपने अगर 100 ग्राम मैदा लिया है तो आपको 70 से 80 ग्राम लेना होगा चीज। तो यहाँ पे मैंने लिया है अमूल का चीज लिया है, इस तरीके के 2 क्यूब्स में ले रही हूँ इसमें, तो हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करना जरूरी है, अगर आप बिना ग्रेट करके लेंगे तो शायद अच्छे से नहीं बनेंगे चीजलिंग, तो इसको ध्यान जरूर रखना है कि आपको ग्रेट करना होगा। तो हम इसको ग्रेट करके रख लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल वाला ग्रेटर का यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी ग्रेटर ले सकते हैं, इसे हम ग्रेट कर लेंगे।
ये अमूल कंपनी का है, आपके पास जो भी कंपनी मिलती है और आप वो ले सकते हैं। और आप इसकी जगह शेडार चीज़ भी ले सकते हैं, मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसको पूरा ग्रेट कर लेंगे। इसमें लेना होगा स्वाद के अनुसार नमक, जितना आप कुछ भी वगैरह रोटी वगैरह बनाते हैं उतना नमक इसमें हम मिला लेंगे। उसके हिसाब से ये नमक ले लेते हैं। इसमें आपको अजवाइन और जीरा बिल्कुल नहीं मिलाना है, उसकी जगह हम ये काली मिर्ची मिलाएंगे। काली मिर्ची का पाउडर है ये, घर का बना हुआ, ये ले लेते हैं। वो भी थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और इसमें मोइन के लिए लेना है घी लेना है, तेल बिल्कुल नहीं लेना है। तेल का ध्यान रखना है कि मोयन में आपको इसमें घी लेना है। ये हम घी ले लेंगे, वो भी पिघला हुआ घी लेना है। अब आपको इसमें मोयन के लिए घी कितना लेना है, आपने अगर 2 कप मैदा लिया है तो उसके हिसाब से आपको 2 से 2.5 चम्मच छोटे चम्मच घी लेना है। ये हम घी मिला लेते हैं 2 से 2.5 चम्मच। ये हो गए हैं 2.5 चम्मच के लगभग घी। अब इसे पानी की मदद से आटा गूंथेंगे, दूध की मदद नहीं लेना है। बहुत से लोग आपको बताते होंगे कि दूध की हेल्प से आटा गूंथते हैं, पर बिल्कुल नहीं करना है आपको ऐसा, पानी से गूंथना है इसका आटा। तो अब हम आटा गूंथना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो चीज़ बनाया था तो आप देख सकते हो उसकी गुटलियाँ कितनी अच्छे से बन रही, क्रम्बल टेक्स्चर आ चुका है, वो भी कह सकते हो ब्रेड क्रम जैसा। और इसमें जो पानी मिलाना है वो बिल्कुल भी गर्म करके मत मिलाना, ना ही गुनगुना मिलाना है। जो भी रूम टेम्परेचर होता है बस उसी के हिसाब से आपको पानी लेना है, पानी से आटा गूंथना है। कुछ लोग आपको ये भी बताएंगे शायद रूम टेम्परेचर का गुनगुना पानी लेना चाहिए, वो बिल्कुल मत लेना, नहीं तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी चीज़ लिंक्स। तो अब हम इसमें रूम टेम्परेचर का पानी से आटा रेडी कर लेते हैं। ये अच्छे से सारी चीज़ें मिल चुकी है, अब पानी मिलाना शुरू कर देते हैं। और इसमें नमक थोड़ा कम ही मिलाना है क्योंकि चीज़ में भी थोड़ा नमक मिला हुआ आता है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है, नहीं तो आप नमक ज़्यादा मिला दो और चीज़ में भी नमक मिला हुआ आता है। ये देखिए अपना आटा रेडी हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा सख्त आटा है, इतना ज़्यादा है जो आप पूरी बनाते हैं उससे भी ज़्यादा सख्त आटा है। और इसे ढक के नहीं रखना है, बस ऐसे ही ओपन रखना है ताकि ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। अगर सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर आपको वापस इसे सख्त बनाना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसे ढक के रेस्ट करने के लिए बिल्कुल मत रखना, बस ऐसे ही हम इसे 15 मिनट के लिए अलग रख देंगे। तो अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिया है सनफ्लावर का तेल, आप इसकी जगह कोई और सा भी तेल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूंगफली का हो गया है, जो भी आपको फ्लेवर पसंद आता है आप उस हिसाब से तेल का सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सोयाबीन का लिया है। अब हम इसे लो टेम्परेचर पे गैस ऑन कर देंगे, बिल्कुल नॉब को बिल्कुल स्लो पे कर देना है, हाई टेम्परेचर पे तेल को बिल्कुल नहीं गर्म होने देना है, क्योंकि चीज़लिंग बनाते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हाई टेम्परेचर पे इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये पूरी तरीके से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगी जिसका आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको आगे की प्रोसेस भी बिल्कुल ध्यान से देखना है कि इसे कैसे फ्राई करते हैं, क्योंकि इसका तरीका फ्राई होने का बिल्कुल अलग है। बाकी जो बताते होंगे आप जो भी देखते होंगे यूट्यूब पे, तरीका थोड़ा अलग है इसका, तो इस थोड़ी सी स्टेप थोड़ी सी ध्यान से देख लीजिए तो आपको बिल्कुल बनाते समय दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने ले लिया है मार्बल का चकला, आपको ये लेना है, इससे चीज़लिंग बहुत बढ़िया बनती है। और यहाँ पे लिए है एक पतली सी बेलन ली है, इसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेना है ताकि इससे बहुत जल्दी फैल जाती है। आप कोई सी भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो, पर अगर आप इस प्रकार की ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बनाने में सुविधा रहेगी। तो अब हम बनाते हैं, आपको इसमें आटे का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर आप आटे के यूज़ से बनाते हैं तो फिर क्या होगा कि तेल में बिल्कुल पूरा आटा ही आटा हो जाएगा और आप अच्छे से फ्राई नहीं होगी वो। तो इसलिए तेल या घी की मदद से ही रोटी बेलेंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा मीडियम साइज़ का एक बॉल बना लेना है, इसे चाहे तो आप सारे एक साथ बना के रख सकते हैं ताकि आपको सुविधा रहेगी बनाने में। अभी तो फिलहाल एक बना लेते हैं बनाने के लिए। अगर आपके पास इस वैरायटी की बेलन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी हो आपके पास जिससे आपको कंफर्टेबल रहता है बनाने में, तो आप वो बेलन का बिल्कुल यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्रकार की बेलन खरीद के लाए मार्केट में। वैसे आपको अगर आप चाहिए भी इस प्रकार की बेलन तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि अमेजन में मिलती है, आपको वहाँ पर ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके क्लिक करके खरीद सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। और आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। वैसे जनरली तो चीज़लिंग स्क्वायर शेप में आती है, चौकोर चौकोर छोटे छोटे टुकड़ों में आती है,
उसी प्रकार से हम बनाएंगे, उसी प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगी इस वीडियो में। फाइनली ये इतनी थिकनेस पे ये बेल के रेडी हो चुकी है रोटी चीज़ लिंक के लिए। अब हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए भी कोई खास बेलन है यहाँ पे मेरे पास, तो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में। शायद मैंने इसके पहले शक्करपारे की रेसिपी में भी आपको बताई थी वाली बेलन, वो शायद आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाए तो आप खरीद सकते हैं। तो उसी से हम इसे कटिंग करना शुरू करते हैं। ये रही वो वाली बेलन जिससे हम कट करेंगे चीज़ लिंक के स्क्वायर टुकड़े। बहुत सिंपल रहता है, एक बार में इसे कट लगा दो और फिर बस रेडी हो जाते हैं इसके टुकड़े। टाइम भी बहुत कम लगता है इस अगर बेलन का यूज करते हैं तो, अदरवाइज आपको एक एक कटिंग करना पड़ता है, वो भी बराबर होती है नहीं भी होती है वो तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। सो गाइस ये कितने बढ़िया एक जैसे चोकोर टुकड़े कट चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए अब हम इसे सीधे कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अब हम देखेंगे कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है नहीं, क्योंकि हमने तो इसे लो टेम्परेचर पे गर्म करने के लिए रखा था। तो एक बाइट एक स्क्वायर इसमें हम डाल के देख लेते हैं। ये देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है, तब हम सारे डालना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल धीरे से डालना है, सावधानी से, नहीं तो अपने आप पे छींटा उड़ सकता है। फ्राई करते समय कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि दूर से डालना चाहिए, या तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि झरिए में जो भी चम्मच का यूज़ कर रहे हैं उसमें सारे डाल के इकट्ठा तेल में भी डाल सकते हैं, वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इसे फ्राई करना है, अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे तो ये लाल हो जाएंगे, और अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाता है और लाल हो रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, गैस बंद कर देना होगा, नहीं तो ये बाकी के भी सारे लाल हो जाएंगे, उनका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और थोड़ा सा इसे मिक्स करके देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं हुए हैं। अब हमने इसे लो टेम्परेचर पे फ्राई कर रहे हैं। अब आपको देखना होगा कि ये अच्छे से फ्राई हुए हैं, तो इसे आप टॉस करके देख सकते हैं इनकी आवाज़ कितनी अच्छे से आ रही है, मैं आपको बताती हूँ इसे। ये आप सुन सकते हैं हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है। बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल गेट रेडी टू ईट हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे, है ना कितनी बढ़िया आवाज। अब हम इसी प्रकार से सेकंड बैच थर्ड बैच फ्राई कर लेंगे सभी को। आप इन्हें इस तरीके का भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि शेप देना तो अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। और आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसे इन शेप में जो बनाया है वो भी कितना अच्छा इन पे कलर आया है, गोल्डन ब्राउन है, और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी है। बस इनका सीक्रेट यही है कि इनका जो तलने का जो तरीका है फ्राई करने का थोड़ा सा अलग है, मैंने आपको बताया, जैसे वीडियो के बीच में भी बताया कि इन्हें बिल्कुल मध्यम आँच पर फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप मध्यम आँच पर फ्राई करते हो तो इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है और बढ़ जाता है इनका स्वाद, बहुत ज़्यादा इनका स्वाद अच्छा आने लग जाता है अगर आप इन्हें लो टेम्परेचर पे फ्राई करते हैं, क्योंकि इसमें रहता है चीज़ जिनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो चीज़ का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको फ्राई करना है। तो आप किसी भी तरीके का शेप बना सकते हैं चीज़ लिंक के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्क्वायर शेप से बनाए या चोकोर टुकड़ों में बनाए। सो गाइस ये अपने चीज़ लिंक रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल मार्केट के तरह आया है। तो इसका एक सीक्रेट टिप्स है, वो ये है कि अगर आप इनको फ्राई करते हैं लो टेम्परेचर पे और फिर जैसे ही इनमें क्रिस्पी हो जाते हैं आवाज़ आने लग जाती है, तो उसके बाद आपको इनका टेम्परेचर गैस का टेम्परेचर कर देना होगा हाई पे, तो इनका अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा और आपको समझ लेना होगा कि बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अगर आप इन्हें ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो इनका जो चीज़ लिंग का जो चीज़ का जो स्वाद है ना वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको इस तरीके से फ्राई करना है तो बिल्कुल मार्केट की तरह चीज़ लिंग का स्वाद आएगा, आपको बाजार से खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स में, और अपने फीडबैक और या फिर और भी कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, गुड बाय। एकदम लज्जतदार पूरी बनाएंगे आज, जो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपका। इसके लिए आपको सिर्फ साधारण सी चीज़ें लगेगी। इसमें लिया है 250 ग्राम बेसन और इसमें लिया है 1/4 कप मैदा लेना है। मैदे की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैदे से कलर व्हाइट आता है इसलिए हमने मैदा लिया है, आप चाहे तो गेहूं का आटा ले सकते हैं। यहाँ पे ये बेसन और
मैदे को दोनों को मिलाएंगे और इसके साथ आपको जितना आपने मैदा लिया है उतना ही आपको इसमें लेना है उड़द दाल का आटा। ये पूरी को पौष्टिक बनाता है अगर आप इसमें उड़द दाल का आटा मिलाते हैं, और इसका स्वाद तो इतना बढ़िया आएगा अगर आप इसमें उड़द दाल का आटा मिलाते हैं। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा इन सब का। बस आपको इसकी प्रोसेस देखना है, थोड़ी सी अलग है। इसमें लिया है बेकिंग सोडा लिया है, इन सबकी मात्रा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें लिया है लाल मिर्ची का पाउडर, आप अपने तीखेपन के हिसाब से इसमें मिला सकते हैं जितना ज्यादा आप तीखा खाना पसंद करते हैं। इसमें मैंने अपने हिसाब से थोड़ी ज्यादा मिलाई है। इसमें लिया है जीरा, अखा जीरा लेना है यानी कि खड़ा जीरा लेना है आपको, पाउडर नहीं लेना है। इसमें लेना है एक चुटकी भर हींग, इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा तो हींग ज्यादा अच्छी लीजिए आपको। इसमें लिया है काली मिर्ची का पाउडर, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ले लिया जा रहा है क्योंकि जब भी हम कुछ तली हुई या फ्राई क्रिस्पी क्रंची चीज बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्राई होने के बाद उनका स्वाद कम हो जाता है, इसलिए हमने मिर्ची ज्यादा मिलाई है इसमें। और लिया है इसमें नमक स्वाद के अनुसार, ये आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिए। इन सभी सूखे आटा को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। इसके पहले इसमें हम ले लेते हैं मोयन के लिए मूंगफली का तेल, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा अगर आप मूंगफली का तेल मिलाते हैं। अगर आप नहीं है आपके पास तो आप कोई सा भी मिला सकते हैं, साधारण ऑलिव ऑयल मिला लीजिए या फिर सनफ्लावर मिला लीजिए या फिर सोयाबीन का, जो सभी के घर में मिल जाता है। और अब हम इसे जो चम्मच में जो एक्स्ट्रा तेल लगा हुआ है वो हम वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी कुछ भी चीजें, इसलिए हम इसे पूरा अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इन सबको मिला लेंगे। पहले तो सूखे आटे को अच्छे से सबको मिला लेंगे ताकि सभी प्रकार के आटे और मसाले सभी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे, और इसे कैसा आटा गूंथना है वो आप जरूर देखिए, बिल्कुल भी इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाना है, अगर आप एक साथ मिला देंगे तो पानी ज्यादा हो जाएगा जिसे हम कम नहीं कर सकते हैं, पर आप कम मिलाएंगे पानी तो उसे हम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए एक एक चम्मच से आपको पानी मिलाना है और इसे आटा बना लेना है। बिल्कुल अच्छे से गूंथना है आटा मुठिया बना बना के, ताकि जो भी आटा है उसमें पानी अच्छे से चले जाए और आटा की कड़ियां अच्छे से फूल जाए, जिससे इनका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा अगर आप इस प्रकार से आटा गूंथते हैं इस पूरी का पपड़ी का। ये देखिए इतना हार्ड होना चाहिए आटा गूंथने के बाद, और इसे कवर कर देंगे लगभग आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद हाथों पे तेल लगा के मूंगफली का तेल लगा के अच्छे से वापस से इसे गूंथ लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड ज्यादा है तो। और इनकी लोइयां बना लेंगे यानी कि बॉल्स बना लेंगे सभी की, पूरे आटे की। और ये तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, ये तेल ले लिया है, इसे अच्छा गर्म होने के लिए रख देंगे हाई टेम्परेचर पे। अच्छा तेल गर्म होना चाहिए, इसमें लिया है सोयाबीन का तेल लिया है, आप मूंगफली का भी ले सकते हैं। और एक प्लेट पे टिश्यू पेपर निकाल लिया है जिस पर ताकि एक्स्ट्रा तेल होगा सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी का। और ये देखिए इसे आटे की सहायता से, सूखे आटे की सहायता से पूरी बनाना है आपको। अगर आप तेल से बनाएंगे तो ज्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगा और मजा नहीं आएगा स्वाद में, तो इसलिए आप इसमें गेहूं का आटा या फिर मैदा किसी से भी आप इसकी मदद से इसकी पूरियां बना लीजिए जितनी पतली आप बना सकते हैं, पर इतनी ज्यादा भी नहीं बनाना है कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए यानी कि पारदर्शी हो जाए। ये अच्छे से फ्लैट हो चुकी है लोई, बिल्कुल पतली बनी हुई है। देखिए आपको मैं इसे जूम करके बताती हूँ पूरी कितनी पतली होना चाहिए, और हम एक साथ सारी पूरियां बना के रख लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आपको सभी को गोल गोल बेल के रख लेना है, और ये देखिए कितनी पतली बनी है, बिल्कुल भी हाथ नजर नहीं आता है, और इतनी पतली होना चाहिए चारों साइड से और सेंटर से भी। और इन सभी को एक साथ बना के रख लीजिए, एक के बाद एक फ्राई बिल्कुल मत करना है सर, क्योंकि सूखना जरूरी है थोड़ा सा पूरी को। अब हम इसे हाई टेम्परेचर पे इसे फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड से फ्राई करना है उलट पलट करके, देखना है आपको कि कुरकुरी हो गई है वो तो अलग पहचान में आ जाएगी, और इसे आप देखेंगे कि कितनी कुरकुरी नजर आ रही है, इनका वजन भी हल्का हो जाता है अगर ये कुरकुरी हो जाती है तो। और इस प्रकार से हम सभी पूरियां निकाल लेंगे किचन टॉवल या टिश्यू पेपर पे, और देखिए कितनी ज्यादा क्रिस्पी खस्ता, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और पौष्टिक पूरी है। आप जरूर बना के देखिए और अपनी फैमिली के साथ सभी के साथ शेयर कीजिए, ये बहुत ज्यादा टेस्टी और पौष्टिक है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए क्योंकि आगे और नई नई इस प्रकार की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बूंदी और बूंदी की चाट। इसको बनाने के लिए आपको बेसन की आवश्यकता होगी, इसमें हमने लिया है बेसन, आप अपने अनुसार लीजिए जितना आपको बनाना है, जितनी आपको बूंदियाँ बनाना हो। हमने यहाँ पे एक कप लिया है, इसमें हम मिलाएंगे हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और नमक मिलाएंगे, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलाना है ताकि नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है बूंदियों का, और या फिर अच्छे से बन नहीं पाती, इसका गोल गोल शेप नहीं बनेगा। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे धीरे धीरे करते, इससे अच्छे से बैटर अच्छे से बन जाए, इसमें एक भी लम्स ना रहे, इसे आप लगातार मिलाते रहिए
ये देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम पानी मिलाइए ताकि जितने भी लम्स अगर इसमें होते हैं तो सारे ब्रेक होकर पेस्ट फॉर्म में बन जाएंगे। और आप इसे लगातार मिलाते रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप एक भी लम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो में कितना अच्छा फाइन पेस्ट बैटर बन रहा है। इसमें आप थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे। इसे हमें थिन बैटर बनाना है, पतला पतला सा बैटर बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी रनिंग कंसिस्टेंसी है। तो थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे हम ताकि और फाइन और थिन बन जाए बैटर हमारा। और ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग ये हो चुका है रेडी। अब आपको उसको थोड़ी देर के लिए, आपको 10 मिनट के लिए अलग रखना है। इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए अलग रख दिया है ताकि सारी इसमें जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाए पानी में। अब हम इसमें तेल मिलाएंगे। ये हमने गरम तेल लिया है। इसको हमने तेल को हमने हाई फ्लेम पे अच्छा गरम करके रखा है। और हम इसमें 3 चम्मच मिलाएंगे तेल। आपको इसमें गरम तेल ही मिलाना है, इससे भुजिया क्रिस्पी बनती है। और आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये बूंदी बनाने का जरिया लिया है। अगर आपके पास ये जरिया नहीं है तो आप अपने घर में जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। उससे भी इतनी अच्छी बूंदियाँ बनेगी जितनी अच्छी इससे बन रही है। ये देखिए फ्रेंड, इसमें आप पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा बैच बनाइए, देख लीजिए पहले कि अच्छे से बन पा रही है। अगर नहीं बन पाती है तो आप इसे फ्लेम को थोड़ा कम ज़्यादा करके एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें हाई फ्लेम में अच्छे से गर्म करके रखा था तेल को। ये फर्स्ट बैच में बहुत अच्छे से बनी है, बहुत बढ़िया बनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बनी है बूंदियाँ, कुछ भी गोल्डन ब्राउन नहीं हुई है। अब हम इसको निकाल के अलग रख लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि इसे ठंडी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये भाप में सॉफ्ट भी हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसे निकाल लेंगे हम कढ़ाई से और इसे अलग रख देंगे और थोड़ा सा फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा तेल रहता है जो धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब होता रहता है बूंदियों में। इसलिए अब हम ये सेकंड बैच बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए आप इसमें आप एक ही चम्मच डालिए, एक बार में एक ही डालिए, क्योंकि आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर बूंदी अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी और इस कारण से वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी या फिर वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसे आप टैप करते रहिए नीचे से ताकि जल्दी से जल्दी बूंदियाँ गिरती रहे तेल में। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी, कितनी सारी, कितनी अच्छी बनी हुई है ये बूंदियाँ, कितनी गोल गोल बनी हुई है। एक में भी सेव ने सेव जैसा शेप नहीं आया, इसमें बिल्कुल बूंदी जैसा ही बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिला देंगे और इसे भी अलग निकाल के रख देंगे और थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और क्रिस्पी क्रिस्पी रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी बूंदियों को निकाल लेंगे हम और इसे भी फैला देंगे। बूंदियों को ठंडी होना उतना ही ज़रूरी है। अगर ठंडी नहीं होगी और गरम गरम रख देंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगी है, क्योंकि भाप में सॉफ्ट हो जाती है। अब हमें थर्ड बैच बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये लास्ट बैच और देख लीजिए कितने कैसे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो आप इसे हाई फ्लेम पे फिर से गर्म करके फिर से इसे मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बन रही है। और इसे भी मिला देंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में मिलाते रहेंगे। और अब हम इसे भी निकाल लेंगे कढ़ाई से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी क्रिस्पी बूंदी बनी है। अब हम इस बूंदी को एक बॉल में निकाल लेंगे, ठंडी हो चुकी है अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी चाट बनाना स्टार्ट करेंगे। चाट बनाने के लिए आपको इसमें मूंगफली लगेगी। अगर आपको मूंगफली नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह काजू या फिर आप इसमें मखाने भी फ्राई कर सकते हैं तेल में, जो आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए। हमने यहाँ पे मूंगफली के दाने लिए हैं क्योंकि अधिकतर नमकीन और मिक्सचर में मूंगफली के दाने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और स्पेशली चाट में तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हमने इसमें लिया है करी लीव्स, आप भी ले लीजिए। अगर आपके पास मिंट लीव्स हो तो आप वो भी ले सकते हैं। उसको भी करी लीव्स के साथ फ्राई कर लीजिए और इसे अच्छा फ्राई करना है, इतना कि ताकि ये क्रिस्पी हो जाए करी लीव्स। और इसे हम बूंदी में मिला देंगे, सभी सामग्री को मिलाएंगे। इसमें हमने हरी मिर्च ली है, इसको हमने फाइनली चॉप किया है क्योंकि इसे हमको क्रिस्प फ्राई करना है। अगर आप मोटी मोटी चॉप करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगी और सॉफ्ट लगेगी चाट में। अब हमने इसमें लिया है धनिया पत्ती, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे फाइनली चॉप नहीं करना है, इसको आपको ऐसे ही लेना है। और अब हम ये सीजनिंग मिलाएंगे। इसमें हमने लिया है नमक, लाल मिर्ची पाउडर और लिया है इसमें पुदीना की पाउडर। अगर आपके पास पत्तियां हो तो आप वो भी फ्राई कर सकते हो, फिर आप इसमें पाउडर नहीं मिलाएं। इसमें हमने लास्ट में लिया है पानीपुरी का मसाला।
अगर आपको ये टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी क्रिस्पी बनी है बूंदिया। बूंदिया को ठंडी करना जरूरी है, नहीं तो ये क्रिस्प नहीं बनेगी। इसे आप फैला के ठंडी कर लीजिए एक प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स तैयार हो गई है हमारी बूंदी चाट, आप इसे ज़रूर बनाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल में। और आज मैं आपको भुट्टे के दाने से एक नई रेसिपी बताने वाली हूँ। वो मिठाई की रेसिपी है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ज़्यादा सस्पेंसिव नहीं बनाती हूँ। आपने आम तौर पर भुट्टे के दाने से उसके दाने खाए हैं फ्राई करके, उसका भुट्टे का किस खाया है आपने, और भी कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनती है आपने उसके कबाब या कटलेट बना के खाए हैं, पर आपने कभी ये मिठाई नहीं खाई है। तो जल्दी से इसे बनाना देख लेते हैं। ये इसकी मिठाई आप लगभग आधे घंटे में आराम से रेडी कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 भुट्टे लिए हैं, ये ताज़े हैं। देखो भुट्टे में 2 वैरायटी आती है, एक तो देसी भुट्टे के नाम से जानते हैं और दूसरा अमेरिकन। अगर आपको अमेरिकन मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मिठाई बनाने की। अब बात आती है दाने निकालने की, तो देखो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाती है यूट्यूब पे, आपको अगर जो सुविधा लगे ना वो कर लेना। पर मैं आपको 2-3 गलतियाँ बता देती हूँ पहले, कि अधिकतर सब लोग भुट्टे के दाने कुछ इस तरीके से निकालते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में चाकू की मदद से। आप देख रहे होंगे कि कोई सा भी दाना प्रॉपर निकल नहीं रहा है। दूसरा तरीका ये रहता है इसमें, ये चम्मच की हेल्प से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये डिपेंड करता है भुट्टे पर भी, कि अगर आपके भुट्टे अच्छे होंगे ना, उसके दाने अच्छे होंगे, तो वो चम्मच से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। वैसे तो मिठाई बनाने के लिए आपको टूटे हुए दाने भी चल जाएंगे, कोई ऐसा वो नहीं है कि टूटे हुए दाने नहीं होना चाहिए। हाँ, पर अगर आप फ्राई करते हैं तो फिर बात अलग हो जाती है, फिर उसके लिए आपको एक एक दाना अक्खा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है चाकू से निकालने का, इसमें आपकी उंगलियों को भी चोट लग सकती है। तो मैं इसका सबसे बेस्ट तरीका बताऊँगी जो आपको करना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका तो आप इसको उंगली की हेल्प से निकालें, जो आप साधारण जो भुट्टे सेक के नहीं खाते हैं नींबू लगा के मिर्च लगा के, तो आप ये तरीके से निकालिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, अपना पुराना ट्रेडिशनल तरीका, जो सालों से लोग इसी प्रकार से इसके दाने निकालते आ रहे हैं भुट्टे के। तो आप ये तरीके से निकालें, 15 मिनट भी आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप 3 भुट्टे के दाने आप इजीली निकाल लोगे। और आप देख रहे होंगे कि एक एक दाना सेगा यानी कि अक्खा निकल रहा है। तो आपको इस प्रकार से इस 3 भुट्टे के दाने निकाल लेना है। और आप 3 भुट्टे की अगर मिठाई बना रहे हैं तो लगभग आप इसमें 250 से 300 ग्राम मिठाई आराम से बन जाती है। और आपको दाने निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा क्लीन कर लेना है, क्योंकि इसमें जो धागे लगे हुए आते हैं ना भुट्टे में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अब आपको करना क्या होगा, एक चटनी वाला चटनी बनाने का जार लेना होगा मिक्सर ग्राइंडर का, और उसमें सारे दाने डाल देना है। जितने भी उसमें कैपेसिटी हो पीसने की उतने हिसाब से आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो सभी दाने डाल देंगे और इनका आपको बनाना होगा पेस्ट। इसका पेस्ट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, बारीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा दरदरा होना चाहिए। कितना बढ़िया पेस्ट बना है। और इसमें आपको पीसते समय थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलाना है। और अगर आप सोचते हैं कि हम पानी मिला के तुरंत फटाफट से पेस्ट बना के रेडी कर लें, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। और इसका टेस्ट आपको मावे की मिठाई से भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। आपको जैसे त्योहारों पे आप बाज़ार से लेकर आते हो मिठाई वगैरह, तो उसमें बहुत मिलावट होती है, आप पहचान भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या मिला दिया जाता है, कास्टिक सोडा वगैरह बन जाने क्या मिलाया जाता है। पर आप अगर इस भुट्टे के दाने से मिठाई बनाएंगे ना, तो आपको मावे की मिठाई की बिल्कुल याद नहीं आएगी, बहुत ही बढ़िया लगती है। अब आपको एक मोटे तले वाली एक कढ़ाई लेना है, जिसमें आपको 4 से 5 टेबल स्पून आपको देसी घी लेना है, यानी कि घर का बना हुआ घी। ये मैंने लिया है, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ अगर मार्केट का होता ना तो बहुत ज़्यादा वाइट होता है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 टेबल स्पून ले लिया है। अब जो पेस्ट बना के रखा है दानों का, भुट्टे के दानों का, मकई के दानों का, तो वो पेस्ट आपको इस घी में डाल देना है। और टेम्परेचर इसका लो टू मीडियम के बीच में रखना है, गैस का फ्लेम आपको रखना है लो टू मीडियम, और इसे सेकना होगा आपको। आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं, तेल बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आप मिठाई में घी नहीं डालेंगे तो मिठाई का असली स्वाद कहाँ से आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आपको घी लेना है, तेल वगैरह नहीं लेना है, बटर ले सकते हैं। तो आपको इसे लो टेम्परेचर पे यानी कि लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसे लगातार सेकना होगा,
लगभग 10 मिनट में ये आराम से ये पेस्ट सीख जाता है, इससे समय नहीं लगता है। वैसे भुट्टे दो प्रकार के आते हैं, एक अमेरिकन भुट्टे आते हैं और एक देसी भुट्टे। अगर आप देसी भुट्टे का बनाएंगे मिठाई तो आपको उसमें चीनी ज़्यादा डालना पड़ेगा, शक्कर यानी कि ज़्यादा डालना पड़ेगा। और अगर आप अमेरिकन भुट्टे बनाते हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत मीठे आते हैं, तो उसमें आपको शक्कर की मात्रा इतनी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे आपको मिल्क पाउडर लेना है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है घर पे तो आप मिल्क मेड ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मेरे पास मिल्क मेड नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल यानी कि मिठाई में लिया है। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच लिया है मिल्क पाउडर। और आप देखते जाओगे, थोड़ी थोड़ी देर में सेकते जाओगे तो आपको ये जो भुट्टे के दाने का जो टेक्सचर है ना, वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा होते जाएगा। तो आप इसे लो टेम्परेचर पे सेकते रहिएगा तो इससे इसका जो टेक्सचर है दानों का, पेस्ट का, बहुत बढ़िया हो जाता है। ये देख सकते हैं बिल्कुल बिखरा बिखरा हो जाएगा। तो उसके बाद आपको चीज़ें मिलाना है, यानी कि जो मिल्क पाउडर है वो मिलाना है। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार हो चुका है, बिल्कुल भी अब वो पेस्ट बना हुआ नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम खिला खिला सा दाने जैसा नज़र आ रहा है। अब आपको इस स्टेज पे आपको मिल्क पाउडर मिलाना है। मिल्क पाउडर मिलाने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको दूध लेना होगा, एक कप दूध ले लेना है। पानी भी ले सकते हैं पर दूध से अगर आप मिठाई बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया रिच टेस्ट आएगा। और अब आपको लेना है मिल्क पाउडर। देखिए इसमें जो मैंने आपको दूध और मिल्क पाउडर बताया है, अगर आप ये दोनों नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल आप इसमें मिल्क मेड मिला लो, तो आपको ये दूध और मिल्क पाउडर दोनों नहीं मिलाना पड़ेगा। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तब आपको ये वाली स्टेप यानी कि मिल्क यानी कि दूध और मिल्क पाउडर मिलाना होगा और इसे अच्छे से सेकते रहना है जब तक ये इसका जो दूध है अच्छे से दानों में यानी कि पेस्ट में एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। अब आपको आपके मिठास के हिसाब से आपको इसमें शुगर यानी कि शक्कर मिलाना है, जितनी भी आप मिठाई को मीठा बनाना चाह रहे हैं। अगर आप मीठा नहीं खाते, डायबिटीज़ है किसी को, तो आप बिना शक्कर का भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और फ्लेवर के लिए आपको इसमें ले लेना है इलायची का पाउडर या फिर आप दालचीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे लास्ट में मिलाऊंगी, दालचीनी या फिर इलायची का पाउडर। अभी आपको इसे लगातार सेकना है। अब आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि कब आपको इसका आँच बंद करना है, यानी कि कब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पेस्ट अच्छे से पक चुका है। तो आप देखोगे कि इसे मिलाते 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 जाओगे ना तो ये बिल्कुल एक आटे की तरह हो जाएगा। जैसे आप रोटी गूंथते हैं तो उसका आटा कैसा हो जाता है ना, तो उसी प्रकार से इसका आटा रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कढ़ाई पे चिपकने का नाम ही नहीं ले रहा है ये। तो समझ जाना होगा आपको कि ये जो मिठाई का जो पेस्ट है, मकई के दाने का जो पेस्ट हमने जो बनाया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल डो जैसा हो गया है। अब आपको एक यहाँ पे मैंने टिफ़न लिया है, जो आप सोच रहे होंगे कि बहुत पहले के समय में स्कूल के टाइम ले जाते थे, ये वही वाला टिफ़न है। इसमें मिठाई बहुत बढ़िया सेट होती है। तो इसे आपको घी से ग्रीस कर लेना है पूरा टिफ़न पे, और इसमें वो मकई के दाने का जो सिका हुआ पेस्ट है ना, वो इसे डाल देना है और इसे उंगली से ऐसा चपटा करते जाना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और इसके ऊपर आपको पिस्ता की जो चिप्स रहती है वो लगा देना है गार्निश के लिए, डेकोरेट करने के लिए। और बादाम, काजू भी ले सकते हैं। और ये अच्छे से चिपक चुके हैं सभी ड्राई फ्रूट्स। और इसको आपको रख देना होगा फ्रिज में, ठंडा हो जाने के बाद रखना, नहीं तो फ्रिज ख़राब हो सकता है आपका। तो मैंने इसे रख दिया था ठंडा होने के बाद लगभग 2 घंटे के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मिठाई सेट हो चुकी है। अब आपको इसमें इसको कट कर देना होगा। आपके पास कोई सा भी हार्ड चाकू हो वो लेना है आपको, नहीं तो आप सॉफ्ट वाला लेंगे जिसकी ब्लेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लूज़ है, तो वो टूट सकती है। तो आपको एक हार्ड चाकू लेना है, ये देख सकते हैं। और इसके पीस बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल जाते हैं क्योंकि हमने इसे ग्रीस करा था। और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन चुकी है आपकी मिठाई, बिना मावे की, बिना मावा, बिना मूंगफली दाने की बन चुकी है। और आपको अब बताना होगा कि ये मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी, बिना मावे की, बिना मूंगफली के दाने की, तो नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। और ये रेसिपी पसंद आए ना तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस त्यौहार में,
शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप फेसबुक से, और चैनल पर पहली बार आते हो, पहली बार रेसिपी देखी तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगले वीडियो में कुछ इस प्रकार की रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द किचन्स क्रिएटर यूट्यूब चैनल में। आज आपको पता चलेगा कि आप घर पे बिना कुक करे यानी कि बिना गैस पे भी आप पेड़े बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। अचानक से अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, आपको कुछ मीठा उनको सर्व करने का मन होता है कुछ मीठे में, तो आप इस तरीके का पेड़ा बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ दो ही आपको इसमें चीज़ें लगेगी यानी कि दो ही आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, और सबकी मात्रा बहुत ही आसान है, कोई याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पेड़े आप देख के ही मुँह में पानी आ जाएगा, आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे और आपको सर्व करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस पेड़े बनाने की रेसिपी। इसके लिए आपको घी लेना होगा, जो कि आपको उस घी को रख देना होगा थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ताकि वो जम जाए। आपको पिघला हुआ घी नहीं लेना है, मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको जमा हुआ घी लेना है। ये लेना है आपको 2 चम्मच। जो भी चीज़ें इसमें मैं लेती हूँ ना, आपको बताऊँगी, उन सभी की मात्रा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि अगर आप किसी नोटबुक में अगर आप लिखना चाह रहे हैं याद रखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें हमने लिया है 2 चम्मच जमा हुआ घी लिया है, शुद्ध देसी घी, और इसे आपको कांटे वाले चम्मच की मदद से फेंटना है। इतना फेंटना है कि इसमें आपको झाग दिखने लग जाए। अगर आप पिघला हुआ घी लेंगे ना तो वो झाग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये आप देख सकते हैं जमा हुआ घी था, इस कारण से मैंने इसको कम से कम 2-3 मिनट तक लगातार थोड़ा फास्ट तरीके से इसे मिक्स किया है, तो ये झाग में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये फ्रॉथी दिखाई देने लग गया है घी। अब आपको लेना है मेज़रमेंट, जिस कटोरी या कप का हेल्प ले रहे हैं आपको उसी से सभी चीज़ें लेना है। तो यहाँ पे अब हम लेंगे 1/2 कप शक्कर लेंगे। वैसे आप इसमें आप अपनी मिठास के हिसाब से शक्कर ऐड कर सकते हैं। पीसी हुई शक्कर लेना है, यानी कि इसमें आपको शक्कर लेना है, उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, और जो पाउडर बन जाता है ना वही आपको लेना है इसमें 1/2 कप। आप वही वाली मैंने यहाँ पे कटोरी की हेल्प ली है, तो आप अगर आप कटोरी से बनाते हैं तो आपको उसी कटोरी से ही आपको इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके लेना है। तो उसको मैंने घी में अच्छे से मिला दिया है। अब हमने यहाँ पे लिया था दूध मसाला, जिसको मैंने गर्म दूध में भिगो के रखा था। अगर आपके पास दूध मसाला नहीं है ना, तो आपको केसर और इलायची दूध में भिगो के रख देना है, तो वो आपका घर का बना हुआ दूध का मसाला बन के तैयार हो जाता है। वैसे ये मेरे पास मार्केट का है, इसमें कुछ भी फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सभी चीज़ें मिल जाती, काजू बादाम पिस्ता वगैरह सब। अब हमने यहाँ पे लिए चना दाल, जिसको मैंने 5-10 मिनट के लिए रोस्ट करके एक एयर टाइट बॉक्स में भर के रख लिया है। तो जब भी पेड़े बनाने की इच्छा होती है तो मैं इस चने दाल का पाउडर बना के इसके पेड़े रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने उस चने दाल, जिसको हमने सेक के रखा था चना दाल को, उसको हमने एक कटोरी भर के लिया था, जिससे हमने शक्कर ली थी उसको उसी कटोरी से हमने 1 कप चना दाल जो सेकी हुई थी वो ले रखी है, उसको पीस लिया। एकदम बारीक पीसना है, महीन पाउडर बन जाना चाहिए, उतना बारीक पाउडर आपको पीस चने की दाल को पीसना है, और उसको धीरे धीरे उस घी और शक्कर में आपको मिलाना है उस चने दाल के पाउडर को। आप देख सकते हैं सारा पाउडर लग जाएगा इसमें, 1 कप लिया है हमने, 1 कप चना दाल, तो उसको पाउडर बना लिया है तो सारा लग जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपको धीरे धीरे मिलाना है। अगर कभी ऐसे बाई चांस आपके हाथ से ज़्यादा हो जाता है पाउडर, तो आप क्या करोगे, आपको उसमें थोड़ा सा थीजा हुआ यानी कि जमा हुआ घी लेना है और वो थोड़ा सा डाल लेना है। वैसे ऐसी नौबत तो आना मुमकिन नहीं है, ऐसी नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा चने दाल का पाउडर मिला दिया है। अब आपको इसको हाथों की मदद से आटे की तरह गूंथ लेना है, जैसे आप रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं ना, तो उस तरीके से आपको आटा गूंथ लेना है। आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आटा की फॉर्म में आ चुका है, गूंथे हुए आटे की फॉर्म में। और अगर आपके हाथ ज़्यादा पाउडर चले जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा होगा नहीं, तो आप इसमें घी डाल सकते हैं और उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रोटी की तरह का आटा गूंथा जा रहा है, और ये बहुत अच्छी तरीके से गूंथ चुका है और इसका टेक्सचर परफेक्ट बन चुका है पेड़े बनाने के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे दूध का मसाला लिया था, उसमें सारे कलर वगैरह सब कुछ मिला हुआ रहता है, बाज़ार का रेडीमेड होता है। मैंने आपको उसका ऑप्शन भी बताया है कि अगर आपके पास दूध मसाला नहीं हो तो आप केसर और इलायची डाल सकते हैं,
तो आपका दूध का मसाला घर का बना हुआ तैयार हो जाता है। तो अब आपको इसके पेड़े बना लेना है जो भी साइज़ के आप बनाना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से ये रेसिपी बनाने में आपको लगभग 15 मिनट लगेंगे और आप 15 मिनट में घर के बने बिना गैस का इस्तेमाल करके आप पेड़े बना के तैयार कर सकते हो। इसे आप गार्निश कर सकते हो चांदी वर्क से, जो आजकल बहुत चलन में चल रहा है, या फिर आप साधारण जो अपना ट्रेडिशनल तरीका है काजू बादाम पिस्ता ऊपर से गार्निश करके इसे सर्व कर सकते हो। और आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, लगभग एक हफ्ते तक आप इसे खा सकते हो, ख़राब नहीं होते हैं। बस आपको इसे फ्रिज में स्टोर करना है अगर आप गर्मी के मौसम में बनाते हैं, क्योंकि इसमें रहता है घी, तो आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है। और बारिश या ठंड के मौसम में अगर आप बना रहे हो ना, तो आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हो भर के, और आप आराम से खा सकते हो एक हफ्ते तक। और अब आपको बताना होगा ये पेड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी बिना कुक करें, क्योंकि बिल्कुल कोई तामझाम नहीं है इसे बनाने में। बहुत सिंपल सी रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। और ये वीडियो पसंद आया, ये रेसिपी अच्छी लगी पेड़े की, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक से ज़रूर शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आते हो, पहली बार वीडियो देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कुछ इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग रेसिपी जानने के लिए। इसी प्रकार की रेसिपी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।